वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 जुलाई 2019 और 5 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के AMFFR इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी नीति आयोग ने एक AMFFR इंडेक्स जारी किया है और इस इंडेक्स में महाराष्ट्र टॉप पे रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये इंडेक्स क्या है, AMFFR इंडेक्स? तो पहले तो आपको AMFFR की फुल फॉर्म याद करनी है। इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स। क्या है फुल फॉर्म? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स। एक्चुअल में किस स्टेट ने कितने ज्यादा फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स किए हैं, इसके बेस पर ये इंडेक्स जारी किया गया है और इस बार के इस इंडेक्स में महाराष्ट्र टॉप पे है। अब महाराष्ट्र टॉप पे है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सी विद्यासागर राव। अच्छा, ये इंडेक्स जारी किया है नीति आयोग ने, तो नीति आयोग के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। नीति आयोग में जो नीति है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और एक और नीति आयोग से क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के सीईओ हैं। और मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया था कि अमिताभ कांत का कार्यकाल नेक्स्ट 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा 2019 कहां शुरू हुई है? तो अभी उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा 2019 शुरू हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, जगन्नाथ रथ यात्रा होती क्या है? तो ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती है और जगन्नाथ मंदिर से गुड़िचा मंदिर तक ये आयोजित की जाती है। अब इस रथ यात्रा में क्या होता है? तो भगवान जगन्नाथ और उनके भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा की ये एक यात्रा होती है। कहां से कहां तक होती है? जगन्नाथ मंदिर से गुड़िचा मंदिर तक। तो आप याद रखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा 2019 अभी पुरी में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां आयोजित किया जाएगा? तो अभी 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी उड़ीसा में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के कटक में ये 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। अब उड़ीसा में आयोजित की जाएगी, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, जब भी बात उड़ीसा की आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हर बार मैं आपको बताता हूं। और जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है, इसी द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने किस देश को $6 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी IMF ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का ऋण दिया है, यानी किस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान नगदी के संकट से जूझ रहा है, यानी कि पाकिस्तान के पास करेंसी की अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसी वजह से IMF ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का ऋण दिया है।
अब पाकिस्तान को दिया है, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, जब भी आप पाकिस्तान का नाम सुने आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऐसे ही इंडिया और चाइना के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की डिवाइडिंग लाइन भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की डिवाइडिंग लाइन क्या है? 38th पैरेलल। तो ये सारी आप डिवाइडिंग लाइन याद रखिए। अच्छा, ये रेट दिया है IMF ने, तो IMF के बारे में आपको कल भी बताया था। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? Washington DC में। और कल मैंने आपको बताया था कि IMF की नेक्स्ट इंटरिम चीफ अपॉइंट हुए हैं डेविड लिप्टन, तो उनका नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरुण हल्दर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वरुण हल्दर ये एक प्रतिष्ठित न्यूज एंकर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे वरुण हल्दर और ये ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रतिष्ठित न्यूज एंकर थे। 1990 में ये ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर हुए थे और अभी कोलकाता में इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री मार्ग यात्रा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी समुद्री मार्ग यात्रा के लिए अपने देश भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब समझौता मालदीव के साथ हुआ, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुफिया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलह। अच्छा, मालदीव से भी ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है, तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत विकलांग बच्चे कभी स्कूल नहीं गए? तो अभी यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 27% विकलांग बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी रिपोर्ट यूनेस्को ने जारी की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोज़नान एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में हेमा दास ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी पोज़नान एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में हेमा दास ने जीता है गोल्ड मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है हेमा दास और इन्होंने पोज़नान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। अब ये पोज़नान कहाँ है, ये माइंड में जरूर क्लिक करना चाहिए। पोज़नान है कहाँ? तो ये पोलैंड का एक सिटी है पोज़नान। अब पोलैंड का सिटी है, तो ये है मैप में पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सा। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिस जलोटी। और पोलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एड्रजेजे डुडा। कौन है? एड्रजेजे डुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो अभी जम्मू कश्मीर में पहला निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में कोई निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। लेकिन ध्यान रखना, समर में कैपिटल श्रीनगर होती है और विंटर में कैपिटल जम्मू हो जाती है। अच्छा, यहीं से एक स्टूडेंट ने मेरे से एक डाउट पूछा कि सर ये कैपिटल चेंज क्यों होती है? तो आप याद रखिए, क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कैपिटल चेंज हो जाती है। समर में श्रीनगर कैपिटल होती है और विंटर में जम्मू कैपिटल हो जाती है। और जम्मू कश्मीर में अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? कोई भी अभी जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां के चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है? तो आप याद रखिए, जम्मू कश्मीर इंडिया का इकलौता राज्य है जहां के चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसीलिए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल भी
6 वर्ष होता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायपालिकाओं के बीच आपसी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी न्यायपालिकाओं के बीच आपसी सहयोग के लिए अपने देश भारत ने मोरक्को के साथ समझौता किया, यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यह समझौता मोरक्को के साथ हुआ है, तो यह है मैप में मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबाट। मोरक्को की करेंसी क्या है? मोरक्को दिरहम। और मोरक्को के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एस ओथमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो अभी केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये 4 बैंक हैं कौन से? तो पीएनबी, अलाहाबाद बैंक, यूको बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन 4 बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है, जिसमें से पीएनबी, अलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और कॉरपोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब ये जो टर्म लिखा है केवाईसी, ये जनरली आप सुनते रहते हैं, लेकिन केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नो योर कस्टमर। अब जुर्माना आरबीआई ने लगाया है, तो आरबीआई के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है और आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 तक 50 लाख पेड़ लगाने की घोषणा की है? तो अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 2020 तक 50 लाख पेड़ लगाने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अभी ग्रीन जम्मू कश्मीर एक मिशन शुरू किया है और इसी मिशन के तहत 2020 तक जम्मू कश्मीर में 50 लाख पेड़ लगाने की घोषणा की गई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है? तो अभी आईपीएस अपर्णा कुमार ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में आईएमएफ के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर IndreshRC इंस्टाग्राम पर IndreshRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।